अभय शाम के समय रस्सी पर झूल रहा है। आराम से झूलना, आराम से आराम से आराम से, राम से, राम से। नमस्कार दोस्तों, भोलाराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अभी छुट्टी का दिन चल रहा है, गर्मी की छुट्टी का समय चल रहा है, तो हम लोग अच्छे से भी गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी केवल 6:15 बजे है और धूप चारों ओर आप देख सकते हैं। मैं और माला जा रहा हूँ अभी वो महुआ के फल दोहरा को देखने के लिए, बगल खेत में है क्या, देखते हैं कैसा है उसके बाद। चलिए ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहीं पे है अपना महुआ का पेड़, ये सब दिखाई दे रहा है सभी। और इधर ये सभी अपना महुआ का पेड़ है, क्योंकि ये खेत जो होता है वहाँ शुरू तो आगे तक किया हुआ है। ऐसे ही हमारे चाचा लोगों का है और अपना है, और यहाँ अच्छी खासी मात्रा में खेती की संख्या है। हालांकि छोटे छोटे खेत है, लेकिन लगभग एक हिस्से में 10 से 12-15 खेत तक हैं। और माला अभी चुन रही है महुआ का फल डोरहा को, डोरहा हम लोग बोलते हैं। दोस्तों अब हम लोग वापस लौट रहे हैं, थोड़ा सा डोरहा लेके जा रही है। इतना हुआ इस टाइप का होता है फल, अपने बीचे इसका ऑयल बनेगा। पहले इसको पानी में फुलाया जाएगा, फिर इसके ऊपरी परत को काट के निकाला जाएगा, उसके बाद तोड़ के फोड़ के निकालते ना, फोड़ के निकालते हैं। फिर उसके जो दो दल निकलते हैं, जैसे दाल होता है चना दाल, उसमें उसके छिलके को निकालने के बाद दो निकलते हैं, वैसे ही इसमें भी दो भाग होता है। और फिर उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उससे फिर ऑयल निकाला जाता है। मशीन में जहाँ तेल पेराई का काम होता है, वहाँ से मशीन में इसको निकाला जाता है। दोस्तों अभी 4 बज चुके हैं, लेकिन धूप की स्थिति देखिए और बहुत अधिक गर्मी है। टेम्परेचर अभी जा रहे हैं दूसरे घर पे, वहाँ से आलू लाना है, माला भी जाएगी आलू लेंगे और कुछ सामान शैम्पू वगैरह भी लाना है। तो चलते हैं उस घर पे, हमारी बाइक तैयार है, चलिए माला दीजिए बोतल के लिए होंगे तब ना, अब कते फोन करेंगे, अभी गए हैं रांची। दोस्तों अभी आलू लेने के लिए आए हैं दूसरे घर पर, अभी लेके जाएंगे हम लोग, अभी आलू लेके निकल रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और आकाश का रंग बिल्कुल ब्लू और साथ में वाइट वाइट स्नो क्लाउड जिसे कहते हैं, सफ़ेद बादल वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारा नज़ारा हो रहा है। दोस्तों शाम के समय ठंडी हवा लेने के लिए थोड़ा घूमने के लिए निकल रहे हैं, बेटा का इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा और मैं अभी घूमने के लिए जो हमारा फील्ड है उधर जाएंगे। फील्ड में पहुंच चुके हैं, यह वही जगह है जहाँ पर हम लोग कसरत करते थे और खेलते थे, और ये फील्ड में बचपन से बिताए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ आते तो एक सुकून महसूस होता है। तो अब मेरी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, अब फिर से योगा करने के लिए मैं प्रतिदिन यहाँ आऊँगा सुबह उठ के। इधर मेरा बेटा अपने बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए अपनी कसरत शुरू कर चुका है। यहाँ पे एक मोटी सी रस्सी लगाई गई है, जो भाई बंधु लोग आर्मी की तैयारी करते हैं वो इस रस्सी के सहारे पर तेजी से इस पेड़ पर चढ़ते हैं। चढ़ के देखो तो अभी मेरा बेटा अभी चढ़ रहा है, यह है अभय राज, इसे हम लोग शॉर्ट में अभी बोलते हैं। इधर अभी झूलते हुए रस्सी के सहारे मजा आ रहा है। तो हम लोग अभी जाएंगे उधर जो चापाकल है, थोड़ा पानी वगैरह पियेंगे और उधर चलते हैं। आधा है हम लोग इस दिन, एक दिन हम लोग वर्षा में यहीं रुके थे, हैं जिस दिन बहुत गरज मतलब हो रहा था,
उस दिन दोस्तों इसी में रुके थे हम लोग। और कई बार हम लोग पिकनिक वगैरह भी यहाँ पे मनाते हैं और इसी फील्ड में बैठ के आराम से खाना खाते हैं। चलिए अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं, संध्या हो चुकी है। दोस्तों अभी घर पहुँच चुके हैं और गर्मी इतनी है इसलिए हम लोग खाट को ले जा रहे हैं एकदम बीच में और आराम कर लो थोड़ा सा और इधर। ये देखिए दोस्तों, ये इधर आओ सामने आओ। ये देखिए ये क्या मौलवी बन के घूम रहा है यार तुम, मेरा कुत्ता पहन के हैं। ए इधर देखो, इधर क्या कर रहा है तुम, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हैं। ये कहाँ खुरपाते मान रहा था तुम्हारे तुम्हें दिमाग में, चलो जाके खोला। दोस्तों अभी इतनी गर्मी कि हम लोग छत पर सोते हैं, रात में हम लोग यहीं सोए थे। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।